देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिनेशपुर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गढ़ में खुलेआम शिक्षा से खिलवाड़ करते देखने को मिला। NIOS की परीक्षा केंद्र से अलग स्थान पर नकल कर रहे दर्जन भर छात्र छात्राओं को SDM बाजपुर और उप शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया। तो वहीं पुलिस और जिला प्रशासन को देश बंधु इंटर कॉलेज में NIOS की परीक्षा में धांधली करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम SDM बाजपुर AP वाजपेयी उप शिक्षा अधिकारी गदरपुर डॉक्टर रवि मेहता SSI भुवन चंद्र जोशी गदरपुर थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह दिनेशपुर थाना अध्यक्ष दिनेश फरत्याल के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम मोहनपुर में छापा मारा। आपको बता दें मौके पर जो नजारा प्रशासनिक अधिकारियों ने देखा उसे देखकर वह भी दंग रह गया। यहां दर्जन भर छात्र छात्राएं खुलेआम नकल करते पाए गए। छापेमारी में NIOS की धांधली का पर्दाफाश हो गया। 12वीं के अकाउंट और बायोलॉजी की परीक्षा दे रहे थे। मामला ग्राम पिपली नंबर 2 में देश बंधु इंटर कॉलेज में NIOS का सेंटर है। थाना अध्यक्ष दिनेश फरत्याल ने बताया है कि NIOS की परीक्षा सेंटर से अलग ग्राम मोहनपुर में जगदीश कुमार के घर चल रहा था। शिकायत की सूचना मिलने पर छापेमारी कर सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सभी प्रश्न पत्र देश बंधु इंटर कॉलेज से संचालित NIOS सेंटर के मिले हैं। उनको सेंटर के बाहर अवैध तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि परीक्षा दे रहे 7 छात्र जिसमें से एक नाबालिग और 4 छात्र और परीक्षा करा रहे एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। तो वही सौरभ कुमार, सुमित गुप्ता, सूरज कुमार, अंकित गौतम, देव आशीष पांडे, नीरज कुमार, सागर मंडल समेत सभी पर 420 की धारा दर्ज की गई है। लोग मिलके परीक्षा संपन्न होने के बाद दूसरे स्थान पर जो है परीक्षा दिला रहे हैं। इस सूचना पर उप शिक्षा अधिकारी रवि बेहता, SDM बाजपुर वाजपेयी जी, SO गदरपुर और दिनेशपुर से स्वयं मैं और हमारी टीम ने मौके पर जाकर जो है छापा मारा। तो वहाँ पर जो है 11 छात्र और एक व्यक्ति जो उनको परीक्षाएं दिला रहा था उसको मौके पर पकड़ा गया और जिनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें से 5 लोग नाबालिग हैं जिनको मौके पर ही उनके परिजनों को बुला के सुपुर्द किया गया है। उनको ये हिदायत की गई कि वो जो है आज प्रातः औपचारिक किशोरों को जो है न्यायालय में पेश करेंगे और आज समस्त अभियुक्तगणों को जो है न्यायालय भेजा जा रहा है। क्या पूरे मामले में जो आरोपी वो है स्कूल है क्या उस पर भी कार्रवाई की गई है? स्कूल के प्रबंधक प्रिंसिपल वो मैनेजमेंट के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी करके शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। कुछ मार्कशीट है और कुछ अन्य सामान मिला है, क्या क्या सामान मिला है? तलाशी में जो है 92 मार्कशीट, प्रमाण पत्र, लैपटॉप, प्रिंटर और कुछ मोहरें भी मिली हैं, उनको भी जब्त किया गया है जिनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या ये मार्कशीट फर्जी बताया जा रही है? और ये तो जांच का विषय है कि फर्जी हैं या नहीं है, वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। संभवतः उसमें से कुछ मार्कशीटें फर्जी हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।